पूरे भारत से, पूरे भारत के राज्य से यहाँ लोगों को इकट्ठा करना, समाज के लोग, अर्ध समाज के लोग, भिन्न भिन्न समाज के लोगों को इकट्ठा करना एक बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल के अंदर जो अंबेडकर भवन बनाया, उस भवन के अंदर यहाँ पूरे भारतवर्ष के आए हुए राज्य से लोगों को इकट्ठा किया और उनको अपनी बात रखी और उनसे उनकी बात सुनी। लोग, नेता लोग अपनी बात सुनाने का काम करते हैं लेकिन और लोगों की बात सुनने का काम नहीं करते। उसी कड़ी के अंदर जो दीपचंद राम जी ने जो 8 तारीख से लेकर 9 तारीख तक यहाँ लोगों को बताया कि हम समाज के लिए संगठन बनाना चाहते हैं, कि अभी तक जो समाज के जो लोग हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या करा, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि वो खुद बताएंगे। सर, एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सर, आपने यहाँ पूरे भारतवर्ष के लोगों को यहाँ बुलाया, सर आपका क्या उद्देश्य, क्या मकसद है इन लोगों को बुलाने का? आदरणीय पिपल जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को देश के बाहर जो बहुजन में, जो अंबेडकर और कांसीराम की विचारधारा में विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों को मेरा संदेश है कि जो बाबा साहब ने जिस मिशन की शुरुआत की थी और कांसीराम साहब ने जिसको स्थापित करके व्यवहारिक रूप दिया था और जिस पार्टी के माध्यम से उन्होंने दिया था, वो पार्टी अपने उद्देश्य में पूरी तरह से विफल है। चाहे वो राजनीतिक उपलब्धि के दृष्टिकोण से, चाहे संख्या बल के दृष्टिकोण से, चाहे पूरे देश में उसके वोट परसेंटेज के आधार पे, उसका मूल कारण सिर्फ एक है कि लाखों मिशनरी कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने कांसीराम के साथ अपने जीवन का तन मन धन संपूर्ण समर्पण कर दिया था, आज वो पूरी तरह से उपेक्षित हैं। वह बहुजन जो बहुजन के लिए बना था, वो आज सर्वजन हो चुका है। वह बहुजन जो कहा करता था कि धन धरती और सम्मान लेके रहेगा हर इंसान, वह आज हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया है। आज वोट, बहुजन का वोट लेने के, बहुजन का टिकट लेने के लिए आपको दुबई और बम्बई से रिटर्न होना पड़ेगा, तब तो आपको टिकट मिलेगा। आपको कुछ चंद चमचों के नेता जो वहाँ पर हैं, उनके उनकी चमचागिरी पर करनी पड़ेगी तो आपको टिकट मिलेगा। मित्रों, आपने देखा इसी दिल्ली में 13% वोट हुआ था कांसीराम साहब के समय में, आज हम 2% से नीचे आ गए। आज उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जो राजनीति की, दलितों पिछड़ों की राजनीति की एक उर्वरा क्षेत्र है, वहाँ की हालत है। मित्रों, सारे लोग, पूरा देश इस भय से, एक अजीब डर से जी रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब तो कोई तीसरी ताकत आनी चाहिए। वो ताकत मित्र, वो देश की जनता नियत और नीत पहचानने के लिए अभी तलाश कर रही है, उसी में एक प्रयास है। आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि मित्र, इंसान जानवर पहचान लेता है कि मेरा अपना और पराया कौन है, आप तो इंसान है। इंसान के रूप में देश के अंबेडकर और कांसीराम के आंदोलन चलाने वाले लोगों को चेहरा में पहचानने में क्यों आप धोखा खा रहे हैं? मित्रों, आप आइए और निश्चित तौर पर पूरा देश का नौजवान, आज वो नौजवान नहीं है कि जो किसी के डराने धमकाने से डर जाएगा, आज तो नौजवान अपना आरक्षण नहीं, मुझे देश चाहिए, मुझे पूरे देश पे सत्ता चाहिए। और जो आरक्षण तो फिर 85% से कम नहीं, क्योंकि इसी देश में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना में 68 से 72% आरक्षण है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं? मित्रों, ये अब तक जो पार्टियां सत्ता में आई हैं, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का, अपने जाति के सीमित लोगों का, चंद चमचों का, देश से लेकर विदेश तक सिर्फ आर्थिक शोषण करके लोगों का विकास किया है। पूरे देश का कार्यकर्ता, पूरे देश का बहुजन आज ठगा सा महसूस कर रहा है। वो ये मान रहा है, अगर आरक्षण की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी होती तो अभी DOPD डिपार्टमेंट ने 314 बैकवर्ड के बच्चों को, उन्हें सिलेक्शन के बाद उनकी नियुक्ति रद्द कर दिया। अभी ये न्यायपालिका जो बार बार आरक्षण को लेकर कभी हाँ कभी ना कर निर्णय करती है,
15% के लिए भी मित्रों 50.5% आरक्षित कर दी, यह नहीं चलने दिया जाएगा। देश के बहुजनों का आह्वान है, देश के माइनॉरिटी का आह्वान है कि एक आज एक बैनर तले आइए और 85% आरक्षण लिया जाएगा, और जात के आधार पे नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। क्यों? ये जब हम लोग कहा करते थे, जब कांसी राम कहा करते थे कि ये पिछड़े लोग आप मेरे साथ आओ, आप हमने अंबेडकर साहब ने धारा 300 में बैकवर्डों के लिए आरक्षण दिया, कांसी राम साहब ने बैकवर्डों के लिए मंडल आयोग लागू कराया, लेकिन आज पूरे देश का आरक्षण खत्म हो गया है। पूरे देश के लोगों को आज ये आरक्षण, आज अधिकार, आज आप जो है कि पूरे देश की सत्ता, नौकरी, रोजगार, सम्मान, जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ये सरकार आपको मालूम है मित्र, 235.65 करोड़ रुपया मात्र 5000 से कम पैसे पे जिनका वो अकाउंट रहा है उससे इन्होंने प्राप्त कर लिया। ये गरीब के विरोधी हैं। मात्र मित्र 14 परिवार को 1,63,000 करोड़ रुपया इन्होंने मात्र अनुदान दे दिया। ये सरकार है जिन गरीबों को ये आधार कार्ड जोड़ने का काम कर रही है। हर काम से आधार जोड़ काम करिए। अभी आपको बताऊं, ये गरीब विरोधी मजदूर विरोधी है। पूरे देश का महंगाई किस स्तर पे है, इन्होंने नरेगा के मजदूरों का मालूम कितना आपने किया, 174 रुपया से बढ़ाकर 175 रुपया कर दिया। इतनी शर्म आती है ये जिन्होंने रोजगार के नाम पे, गरीबों के नाम पे, मजदूर के नाम पे जो यहाँ पर आए थे मित्र, इन्होंने आज पूरे देश को ठगा है। पूरे देश का दलित, पूरे देश का पिछड़ा, पूरे देश का माइनॉरिटी आज ये चाह रहा है कि अब नई लकीर आनी चाहिए। न किसी के परिवार की पार्टी हो और न ही किसी के जात की पार्टी हो, ये बहुजनों का पार्टी हो, राष्ट्र की पार्टी हो, सबकी पार्टी हो, जिसमें हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार मौका मिले और देश की सत्ता पर बहुजनों का कब्जा हो। सर, माननीय मोदी जी ने जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मान्यवर, 2013 में एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का आंकड़ा है, 2013 में 1,63,000 नौकरी मिली थी, 2014 में 56,000 नौकरी हुई और 2015 में मात्र 13,000 नौकरियां माननीय मोदी जी ने उपलब्ध कराया है। आप खुद आप स्वयं ये मीडिया के लोग, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया के लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करें और इस मोदी को जो सही है वही दिखाएं, जो सत्य है वो दिखाएं मित्र। उनकी चापलूसी और राष्ट्र के प्रति इतना बड़ा न्याय मीडिया के लोग न करें। सर, ये जो पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, अभी गुजरात के अंदर एक कांड हुआ था तो मोदी जी ने कहा था कि भाई वो दलितों को मत मारो, गरीबों को मत मारो, मेरे सीने पे गोली मारो, इसका क्या तात्पर्य है? श्रीमान मोदी जी को तो इसलिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया मित्र कि इस देश के पिछड़े दलितों ने कहा कि हम दलित के बेटे को, इस बार पिछड़े के बेटे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगला 2019 में उन्हें तो खुद पता चल जाएगा। ये जो बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को ठग के लाए ना, ये गरीब का बेटा आपके सामने आया है। मैं अम्बेडकर की धरती को प्रणाम करता हूँ लेकिन उनके संविधान को खत्म कर दूंगा। मैं अम्बेडकर की ये महूभूम को तो आया हूँ, तिलक करने आया हूँ, लेकिन आरक्षण को मैं लागू नहीं करूँगा। मैं अम्बेडकर के लोगों को मारो मत भाई, देश के प्रधानमंत्री ये कहता है मारो नहीं, हमें मार दो, गरीबों को न मारो। अब कौन सी कुर्सी का पावर दे दिया जाएगा कि देश में गरीब सुरक्षित रहेगा? भाई मोदी जी, मैं आदरणीय इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन सी पावर आपको दे दिया जाए? 72% राज्यों में आपका कब्जा हो गया, देश की कुल आबादी का 72% आप कब्जा कर लिए, देश के पार्लियामेंट में आपका कब्जा है, देश की हुकूमत आपके हाथ है। क्यों इतने दलित कई गाय के नाम पे, कई जो है धर्म के नाम पे कई इतनी इज्जत लूटी जा रही है? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि तुरंत उन्हें फांसी दे दिया जाए? चार्जशीट लगते ही फांसी की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? हमारी सरकार आएगी, आरक्षण पूरा लागू करूंगा, 85% आरक्षण लागू होगा। और अभी तक जो आरक्षण लागू नहीं हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1950 से लेकर 2019 तक जिन लोगों ने आरक्षण लागू नहीं किया था, जाँच करा के उनके खिलाफ दंड कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाने में जेल की भी भेजने की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर।